अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है उस पर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कौन कौन से कुर्बानी के जानवर लिए हैं। अच्छा जी, का जो ये क्लिप है ये जी एक दिन पहले रात के हैं। KFC हम लोगों ने ऑर्डर किया था, बच्चों की आजकल चल रही हैं छुट्टियाँ, तो ज़रा टाइमिंग भी थोड़ी डिफरेंट हुई हुई है। लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं, और उसी के अंदर मेरी छुट्टियां भी साथ साथ ही चल रही हैं, मैं भी इनके साथ ही इंजॉय करती हूं। तो हम लोगों ने तकरीबन रात के 2 बजे मंगवाया था KFC राइस बाउल, एस जिस तरह कहते हैं ना कि मेरे तो मोस्ट फेवरेट हैं, बच्चों के भी हैं। तो क्रंच बर्गर था, इसके अलावा इनके हनी विंग्स थे, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं ना खाए वो इनके ज़रूर ट्राई करें KFC। ठीक है जी, बस यहाँ पे जी ये दोबारा से मैं थोड़ा सा गर्म कर रही थी, क्योंकि उससे पहले ना लाइट चली गई थी, तो मुझे ये था कि लाइट है तो हम लोग ना ज़रा रिलैक्स होके खाएं। एक हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी, दूसरी तरफ ये जिस तरह आप देख रहे हैं इस तरह मैं सब चीज़ें एक ही ट्रे के अंदर ही लगा रही हूँ। तो बस ये हम इंशाल्लाह ताला मिल के खाने लगे हैं। KFC जो है बेस्ट ऑप्शन होता है, और ये मैंने देखा KFC ना हैवी भी नहीं लगता, अगर आप लेट भी खाएं ना तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ ये कि ये फ्रेश बनाते हैं, कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर है, मैंने ये काफ़ी दफ़ा आजमाया हुआ है। ठीक है जी, अब चलते हैं और इसको इन्जॉय करते हैं। अब जी KFC खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि मीठा तो कुछ होना चाहिए, हमने फिर फूड पांडा को ही ऑर्डर की, मैंगो जो आइसक्रीम थी वॉल्स की। इवन मुझे हिको की बड़ी पसंद है, लेकिन इस टाइम वॉल्स की मिली थी और ओरियो भी आ गई थी, आइसक्रीम को देख एक्साइटेड हो गई थी। इतना मीठा ज़्यादा दे नहीं सकते, तो बहरहाल ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि प्लेटें वगैरह छोड़ें, इसको ऐसे ही खाते हैं, इसको ऐसे खोलिए, थोड़ी सी मेल्ट भी होगी थी। तो अभी हम खा ही रहे थे तो मुझे एक आइडिया आया कि फ्रिज में मैंगो पड़े हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर चंक्स काट के डाले जाएँ। तो मैं जल्दी से एक मैंगो के चंक्स बना के ले आई, और इतना ज़बरदस्त आइडिया था ना, बड़ा ही मज़ा आया। हम लोगों ने इसके ऊपर चंक्स डाले और हम लोगों ने ऐसे ही ना ये खा लिया आइसक्रीम। अच्छा, एक आपको दिखाने लगी, ऑनलाइन एक सूट मंगवाया तो ईद के लिए था, लेकिन अब ईद पे तो ये स्टिच नहीं हो सका। नेक्स्ट जो वीडियो इंशाल्लाह ताला जो स्टिच करवाया है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मियों के भी हैं, ईद के भी हैं, मिक्स कपड़े हैं, तो ये मैं आपको अनबॉक्सिंग आपके सामने इसकी करती हूँ। अनाया बाय किरण चौधरी का है। ऑलरेडी इनके ना मेरे पास 3-4 ड्रेसेज हैं, काफ़ी अच्छा इनका सारा फैब्रिक और सारा येलो बड़ा मुझे पसंद था। अच्छा, एक ना इस तरह का मैंने अपने कज़न के लिए भी मंगवाया था, हज करने गई थी, तो मैंने सोचा कि उसको भी एक गिफ्ट कर देते हैं। एक और ऑर्डर भी दिया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह ही इसकी फ्रंट लुक है। अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं, अभी पेज पे ना ये अवेलेबल है, मेरे लिए 3 या 4 पीसीज ना अभी अवेलेबल थे उनके पास। ये येलो है, और ये भी ये देखें वाइट इसके साथ ये ट्राउज़र है, येलो के साथ ना वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, दुपट्टा ना मुझे बड़ा ही पसंद आया, देखें दुपट्टा बहुत ही ज़बरदस्त था, और ये आम दुपट्टे जैसा नहीं था जिस तरह आम मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा ना खूबसूरत जरी टाइप का कोई दुपट्टा था। ये इसका जो फ्रंट है एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, ये अब जब स्टिच होगा ना फाइनल तो आपको ज़रूर इसका मैं दिखाऊंगी कि कैसा लगा। और ये इसकी बैक है, और इसके साथ ना ये पैच जो फ्रंट पे आपको एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है ना, वो इसका पैच लेता मिला। ये अब जिसको मैं दूंगी टेलर को, लेकिन मैं ईद के बाद ही आराम से दूंगी, इस टाइम तो जो दर्जियों के भी नखरे हैं ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज जो बनाई थी मैंने क्विक चिकन कढ़ाई बनाई थी, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन ये जो है ना ये मैंने अपनी मामा की रेसिपी थी, वो उन्होंने मुझे एक मसाला बताया है, इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि जब भी ये मैं बनाती हूँ ना मेरी फजूल में तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो खैर, ये जी खाना बना, हम लोगों ने ये रात के लिए बना लिया था डिनर, रात तो नहीं मैं कहूँगी समझे कि लंच ही, क्योंकि हमारी जो डिनर टाइम है वो लंच बन गया हुआ है, और जो लेट आवर्स में ना डिनर होता है। ठीक है जी, बस ये खाना वगैरह सर्व करते हैं, बच्चों को देती हूँ, वसीम को देती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ जी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कौन से कुर्बानी के जानवर लिए। अल्लाह ताला ये तमाम मामला कबूल फरमाए, और ये कि ये तो बस ये होता है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो असल तो जो आपकी नीयत है ना वो अल्लाह ताला के पास जाती है। अच्छा, ये मैं तो मैं आपको बताना भूल गई, केक बड़ा ज़बरदस्त आया था, मेरी बेटी की बर्थडे थी, उसकी फ्रेंड ने ना ये लंच बॉक्स केक, ये कोई होम शेफ ही है उससे उन्होंने बनवाया था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें अब खाने के बाद इसको भी इंजॉय करते हैं। तो ये देखें इसके ऊपर 2 डॉल्स बनी हुई हैं। अच्छा, जो पेज है ना इस टाइम वॉइस ओवर करते हुए ना मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ना ज़रूर आपको बताऊंगी। अगर आप लोग लाहौर में हैं तो यहाँ से ना ऑर्डर कर सकते हैं, होम शेफ़ है ये भी, एक लड़की है, और बहुत ही ज़बरदस्त ना ये केक का फ्लेवर था। वैसे तो हम लोगों को लेयर्स वगैरह के बड़े पसंद हैं, क्योंकि ना जो एक दफ़ा लेयर्स भी खा लेते ना उसको कम मुश्किल से ही ना कोई और केक पसंद आते हैं, लेकिन ये अच्छा था। हम लोगों ने इस तरह ही बस सोचा कि इसको ऐसे ही खा लेते हैं, और इस तरह ही फिर जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जी कुर्बानी के जानवर भी आ गए। अभी आपको बस मैं यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, अभी ये थोड़े बकरे वगैरह आए थे, तो बस जो लेकर आए थे उनको पानी वगैरह या पिला रहे थे, तो बच्चे खूब एक्साइटेड थे, क्योंकि बच्चों की ज़िद पे ना जितनी गर्मी थी ना, तो हम थोड़े कॉन्शियस थे
कि जो जानवर है ना वो एक दिन पहले लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साथ ही फिर बारिशें वगैरह शुरू होगी। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे कुर्बानी के जानवर, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है ना, इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी। असल में ना कोई टाइमिंग का ऐसा इशू है कि शूट नहीं हो पा रही, वो जी ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। अभी क्विक रिव्यू दे दूँ, ये देख लें सारे कपड़े रेडी हैं, वीडियो बस शूट होनी है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।